अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमजम पुलाव बनाएंगे। जमजम पुलाव अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है, सब अपनी चॉइसेस के हिसाब से इसमें चीज़ें डालकर बनाते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, चिकन टिक्का, चिकन कबाब, मटन, चिकन कलेजी, गुर्दा, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें। तो इसमें से अपनी चॉइसेस के हिसाब से जिसको जो अच्छा लगता है वो ऐड करके बना सकते हैं। आज हम हमारे तरीके से जमजम पुलाव की रेसिपी बताएंगे आपको। उसके लिए हमने मटन का कीमा लिया है, 250 ग्राम कीमा, बारीक वाला है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। अगर मोटा है तो मिक्सर में डालकर बारीक कर लें। कुछ मसाले डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 2 टीस्पून मोटा कूटा धनिया, 1/2 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर, 1 अंडे की सफ़ेदी। हमने 250 ग्राम कीमा लिया है इसीलिए हमने बस 1 अंडे की सफ़ेदी डाली है। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जैसे आधा किलो तो आप 1 अंडा पूरा यूज़ करें। 2 से 3 टेबलस्पून चॉप की हुई प्याज, हरा धनिया और पुदीना छोटा छोटा कट किया हमने, 2 टेबलस्पून बेसन, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे आधे घंटे के लिए एक साइड पर रखेंगे मैरिनेट होने के लिए। एक कढ़ाई में हमने थोड़े ऑयल को गर्म करने के लिए रखा है जिसमें हम गाजर के पीसेस को फ्राई करेंगे। इस तरह से हमने गाजर के स्लिट्स बनाए हैं बड़े बड़े। मीडियम फ्लेम है, बस 2 मिनट फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं कर देना। गाजर को फ्राई करने के बाद हम इसमें तीनों कलर्स की कैप्सिकम मिला के फ्राई करेंगे। इसके भी हमने इस तरह से मोटे मोटे जूलियंस कर लिए हैं। आप सिर्फ ग्रीन वाली भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल है वो यूज़ करें। कैप्सिकम जल्दी फ्राई हो जाते हैं तो इन्हें हमें बस 1 मिनट फ्राई करना है। 1 मिनट हो चुका है, निकाल लेंगे। हमने उसी कढ़ाई में थोड़ा और ऑयल डाल दिया है जिसमें हम आलू के वेजेस फ्राई करेंगे। पहले हमने कटिंग करके आलू को वॉश किया, उस पर 1 से 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर को लगा दिया, अच्छी तरह से कॉर्नफ्लावर डालकर मसल लिया। ये सब प्रोसेस हमने नहीं बताया क्योंकि ये इजी भी है और वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाता। तो बस आपको इस तरह से मोटा मोटा आलू को कट करना है, 2 बार वॉश करना है, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर लगाकर अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर फ्राई कर देना है। आलू के वेजेस फ्राई करने के बाद हम इसमें कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। कोफ्ते का कीमा मैरिनेट हो गया था और हमने ये साइज़ के छोटे छोटे उनके बॉल्स बना लिए। थोड़ा सा ऑयल हमने कम कर दिया और उसी ऑयल में कोफ्ते फ्राई करेंगे। कोफ्तों को हमें हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, ऑयल को गर्म करके फ्लेम को मीडियम करना है ताकि अंदर तक अच्छी तरह कोफ्ते फ्राई हो जाएं, अंदर तक वो पक जाएं। इसीलिए लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें। हमने यहाँ पर मटन का कीमा यूज़ किया है कोफ्ते बनाने में, आप चाहें तो ये जगह पर चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से हमने 7 से 8 मिनट तक कोफ्ते को फ्राई किया मीडियम टू लो फ्लेम पर, निकाल लेंगे। हमने एक प्रेशर कुकर में मटन ले लिया है 600 ग्राम के आसपास, उसमें हम प्याज डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज है ये, स्लाइस किया हमने। 1/2 टीस्पून नमक, पानी मिलाएंगे। हमने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है, 250 ml। बस इसे मिक्स करेंगे, प्रेशर कुकर का लिड बंद करेंगे और गोश्त को गला लेंगे। गोश्त को हमें 80% तक गलाना है, पूरी तरह से नहीं गला देना है क्योंकि आगे के प्रोसेसेस में हम नहीं चाहते कि गोश्त हड्डी से अलग हो जाए। इसीलिए जब आपको लगे कि ये 80% गल गया है उसी वक्त तक इसे गलाएं। हम पहले फ्लेम हाई करके पकाएंगे 1 विसल तक, बाद में लो करेंगे और इसे 7 से 8 मिनट पकने देंगे, फिर चेक करेंगे। हमने 3/4 कप ऑयल गर्म करने के लिए रखा है, कुछ स्पाइसेस मिलाएंगे, 5 से 6 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 1 से 2 पीस दालचीनी, 1 बादियान का फूल, 3 से 4 पीस तेज़पत्ते भी डालेंगे, 1 टीस्पून से ज़्यादा शाहजीरा, 1.5 टीस्पून के आसपास होगा। 1/2 मिनट मसालों को हमने पकाया, इसमें हम 3 प्याज डाल देंगे मीडियम साइज़ के। मटन को भी हमने गला लिया, पूरी तरह नहीं गलाया है जैसे आपसे हमने कहा, इसे 80% तक गलाया है यानी कि गल गया है लेकिन थोड़ा सा
अभी भी इसमें कसर है। मटन को हमने अलग कर लिया है, स्टॉक को भी संभाल कर रखा है। ये स्टॉक को भी हमने मेजर किया, ये 500 ml के आसपास है, यानी कि 2 कप के आसपास। प्याज को हमने पकाया लाइट गोल्डन होने तक। आप देख सकते हैं प्याज का कलर हल्का हल्का सा गोल्डन हुआ है, बस यही पॉइंट तक हमें पकाना है, पूरी तरह से ब्राउन नहीं कर देंगे। चिकन मिला देंगे, ये तकरीबन 600 से 700 ग्राम चिकन है। अच्छी तरह से धोकर हमने सुखा लिया। हमने मटन भी तकरीबन इतना ही लिया है और जो कीमा यूज़ किया है वो 250 ग्राम है। तो आप समझ के चलिए कि 1.5 kg के आसपास हमने मटन चिकन कीमा सब मिलाकर यूज़ किया है। हमने फ्लेम को हाई किया है, हम चिकन का कलर चेंज होने तक इसे फ्राई कर लेंगे चलाते हुए। चिकन का कलर चेंज हो गया है, यही प्रोसेस में हमारी प्याज भी थोड़ी गोल्डन हो गई है, इसीलिए हमने पहले प्याज को ज़्यादा गोल्डन नहीं किया। मटन डाल देंगे जो हमने बॉईल करके रेडी करे हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 3 tablespoons यूज़ किया है हमने। नमक 1 teaspoon भरकर, मटन को बॉईल करने में भी हमने नमक डाला तो ध्यान से डालें। यहाँ पर हमने मटन और चिकन दोनों को मिलाकर हमने 3 से 4 minutes फ्राई कर लेना है अदरक लहसुन के साथ। अदरक लहसुन डाल के 5 minutes तक हमने फ्लेम हाई करके बहुत अच्छी तरह भुना सारी चीज़ों को। फ्लेम को बिल्कुल लो करके इसमें दही मिला देंगे। 1 cup दही हमने भीग कर लिया, तकरीबन 200 ग्राम होगी। 1 tablespoon भरकर हरी मिर्च का पेस्ट, 7 से 8 हरी मिर्चें लेकर हमने पेस्ट बना लिया। वैसे ये कम ज़्यादा की जा सकती हैं, जैसा आपके घर में खाते हैं वैसा करें। अच्छी तरह से हमने मिक्स किया, दही डाला, हरी मिर्च पेस्ट डाला, हाई फ्लेम पर 1 से 2 minutes अच्छी तरह से मिलाया। फ्लेम को लो करके 15 minutes तक पकने देंगे ताकि जो मटन हमने थोड़ा कच्चा रखा है वो भी पक जाए, चिकन भी पक जाए। बीच में चेक भी करेंगे 1 से 2 बार, अगर ज़रूरी लगेगा तो पानी ऐड करेंगे। कुछ मसालों को हम पाउडर करके रेडी करेंगे। 2 पीस दालचीनी, 5 हरी इलायची, 1/4 से भी थोड़ा कम जायफल, 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग और इतना पीस जावित्री का। हम इसमें सौंफ डाल देंगे 1 tablespoon, 1 tablespoon भरकर अखा धनिया, 1 teaspoon ज़ीरा। इन मसालों का हम पाउडर बनाएंगे मिक्सर में डालकर। चाहे तो हल्का हल्का सा इन्हें बस गर्म कर लें ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो, लेकिन ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हल्का सा गर्म या तो इसी तरह ग्राइंड कर लें। 15 minutes हो चुके हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने पकने दिया। पानी हमने ऐड नहीं किया, 1 से 2 बार चेक किया था, बस दही के पानी में ही सारी चीज़ें आपस में अच्छी सी पककर रेडी हो गई हैं। जो मसाला हमने ग्राइंड करके रेडी किए हैं वो डाल देंगे ये पॉइंट पर, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी हमारे जमजम पुलाव में। मसाला हमने इसमें डाला है तो फ्लेम हाई करके 1 से 2 minutes पकने देंगे। 2 मिनट के बाद चिकन स्टॉक डालेंगे, यानी कि यखनी जिसमें मटन को बॉईल किया था। ये यखनी 1/2 liter थी, साथ में हम और पानी डालेंगे। 750 ग्राम चावल हम इस रेसिपी में यूज़ करने वाले हैं तो पानी उसका डबल, यानी कि 1500 ml पानी डालेंगे। चावलों का जो नमक है वो डाल देंगे, थोड़ा कम ही रखा हमने नमक क्योंकि यखनी में भी नमक था, तो नमक को हल्का सा कम रखें। 1 cup हरा धनिया छोटा छोटा कट कर दिया हमने, चाहें तो थोड़ा पुदीना भी ऐड कर सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं। 7 से 8 हरी मिर्चें, ये कम ज़्यादा की जा सकती हैं, तेज़ नहीं खाते तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। 1 teaspoon भरकर कसूरी मेथी, केवड़ा वाटर 1 tablespoon के आसपास डाल देंगे। केवड़ा वाटर ऐड किया है हमने, एसेंस नहीं। नींबू का रस डालेंगे, 1 lemon juice डाल देंगे हम इसमें। फ्लेम को हमने हाई रखा है, इसे पहले बॉईल होने देंगे। पुलाव में चावल डालने के पहले एक चीज़ का ख्याल रखना है कि पहले अच्छी तरह से पानी डालकर उबाल लेना है मिक्सचर को, फिर ही इसमें चावल ऐड करने हैं। अच्छी तरह बॉईल आ गया। यहाँ हमने बासमती चावल लिए, 1/2 घंटे पहले भिगाया, बस 1/2 घंटे पहले ही भिगाना होता है। पहले हमने 3 बार वॉश किया इन्हें, बाद में 1/2 घंटे पहले भिगा दिया पानी डालकर। अभी हमने पानी को फेंक दिया है, चावल को तो हमने डाल दिया है, बस अभी एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ज़ोर ज़ोर से नहीं चलाना है इसे हमें। इस तरह से बस ऐसे ही हल्के हाथ से इसे चलाएंगे, बॉईल आने देंगे इसमें। अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर इसमें बॉईल आ रहा है, हमें इसका पानी थोड़ा थोड़ा सूखने तक इसे पकाना है फ्लेम हाई करके। 10 से 12 मिनट हाई फ्लेम करके हमें पकने दिया। चावल
थोड़े पक गए हैं लेकिन इन्हें दम पर रखना बाकी है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी है, बस यही पॉइंट तक हमें पकाना है। फ्लेम को लो कर देंगे बिल्कुल, 5 मिनट इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। 5 मिनट के बाद खोलेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा चलाएंगे, बस इस तरह हल्के हाथों से हमने इसे चलाया। घी थोड़ा थोड़ा डालेंगे इस पर, घी से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा जमजम पुलाव का। तो 2 टेबलस्पून के आसपास हमने ऊपर डाल दिया, आप अगर नहीं चाहते तो अवॉइड कर सकते हैं। जो चीज़ें हमने फ्राई करके रेडी की हैं वो सब अभी लगा देना है इस पर। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। कवर करके 10 मिनट पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। अगर आपका जो बर्तन है वो पतला है तो आप चाहें तो नीचे आयन तवा रख के भी इसे दम पर रख सकते हैं। 15 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम करके पका लिया हमने। माशाल्लाह सारा घर खुशबू से महक गया है, सबको पता चल गया है कि आज जमजम पुलाव बना है। हमारे राइस भी बहुत अच्छे खिले खिले बनकर तैयार हो गए हैं, लेकिन हम इसे अभी सर्व नहीं करेंगे क्योंकि हम हमेशा कहते हैं राइस या ग्रेवी कुछ भी बनाएं तो 15 मिनट तक उसे बस सेट होने दें, थोड़ी देर फ्लेम बंद करके बाद में सर्व करें। हमने 3 अंडे भी बॉईल कर लिए हैं, बॉईल करके आधे आधे पीसेज में कट कर लिए हैं, इससे हम गार्निश करेंगे पुलाव को।